डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज सैयद अंसार अली नकवी शहीद के साल स्वाद के लिए सिटी न्यूज नेटवर्क हेड ऑफिस में कुरान खानी का अहतमाम। मारूफ नाथा मरगूब अहमद हमदानी ने बारगाह रिसालत में गुलहा अकीदत पेश किए। मुहतमम जामिया नईमिया अलामा रागिब नईमी ने सैयद अंसार अली नकवी शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआ करवाई। सैयद अंसार अली नकवी शहीद के साल स्वाद के लिए मुनक्कदा कुरान खानी की तकरीब में उनके साहिबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी की खसूसी शिरकत। तकरीब में मियाँ महमूद रशीद, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम भट्ट और चौधरी शहबाज की शिरकत, जबकि कर्नल रिटायर्ड बशीर जावेद, राव शहाबुद्दीन, मुजीद गौरी, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल भी शरीक हुए। कुरान खाने की तकरीब में चेयरमैन गॉर्डन पर अब्दुल रशीद, सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी, राना अजीम, डायरेक्टर न्यूज़ स्टडी 42 करम कलीम, डायरेक्टर न्यूज़ 24 डिफ न्यूज़ मियाँ ताहिर और ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी भी शरीक हुए। नाकिस मनसूबाबंदी या इदारों में राब्तों का फुकदान। एक्सपो कोरोना हॉस्पिटल खदशात में गिर गया। बिजली गैस और पानी के बिल अदा न होने पर कनेक्शन मुनकता होने का खतरा। सेंटर इंतजामिया ने सर्विसेज के बिलों की अदायगी बिल्डिंग किराए से मशहूर कर दी। जिलाई हुकूमत को हॉस्पिटल की मद में 37 करोड़ 10 लाख का बिल अरसाल। फील्ड हॉस्पिटल का शोशा, कौमी खजाने को टीका। सरकारी अमला के बावजूद महंगा एक्सपो सेंटर किराए पर क्यों लिया गया? इतनी रकम में तो नया हॉस्पिटल तामीर किया जा सकता था। माहरीन का तहफुजात का इजहार। एक्सपो में हॉस्पिटल ऑपरेट करने के लिए दिगर अखराज पर भी सवाल उठा दिए। वबा से बचने के लिए शहरी एहतियात करें। लाहौर के बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। वायरस के खतरनाक फेज का आगाज जनरल हॉस्पिटल PKLI जिना हॉस्पिटल के यूनिट फुल सर्विसेज के 86% सर गंगाराम में 70% बिस्तर भर गए। वजीरे सेहत यास्मीन राशिद की हॉस्पिटल में जगह कम पड़ने की तरदीद। मौली फिक्र की कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में बेड्स अभी और वेंटिलेटर्स भी हैं। हर मरीज को PKLI नहीं भिजवा सकते। दो हफ्तों का सख्त तरीन लॉकडाउन, आलमी इदारे सेहत की डिमांड। पंजाब हुकूमत को लिखे खत में बढ़ते मरीजों पर तश्वीश का इजहार। रोजाना 50,000 तशखीसी टेस्ट जरूरत करार दे दिए। लॉकडाउन में नरमी की सूरत हाल की खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया। कोरोना के खिलाफ बुलंदोबांग दावों की हकीकत खुल गई। एक्टेमरा इंजेक्शन के बाद तशखीसी टेस्ट के लिए किट्स भी खत्म। जनरल और जिना हॉस्पिटल में सहूलत आर्थिक तौर पर तातुल। 10 रोज बाद भी जान बचाने वाले इंजेक्शन की फराहमी मुमकिन न हो सकी। विफाक की बैठक में भी पंजाब की जग हसाई। इस सूबे के हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को दाखिल न करने की शिकायत पर हुकाम शाफी जवाब देने में नाकाम। कोरोना मरीजों के लिए कायम ऐप का नाम भी ना बता सके। SOPs पर अमल दरामद न करने पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। मुख्तलिफ मार्केट्स में खिलाफ फर्जी पर 89 दुकानें सील, 24,000 जुर्माना। 5 को हिरासत में ले लिया गया। 4 हौसले मजमू तौर पर 1,156 दुकानें सील, 168 मुकदमा दर्ज। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4,000 के करीब दुकानों को वार्निंग। बगैर मास्क पौने 6,000 गाड़ियों के चालान। कोरोना आवाम की बेएहतियाती से फैला। लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों ने समझा वबा खत्म हो गई। वजीरे सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली एहतियात ही कोरोना से निजात का वाहिद जरिया है। कोरोना का मुश्तबा मरीज फौरी तौर पर खुद को फौरी आइसोलेशन में ले जाए। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी, जायद साजात केस में करीबन 1.25 घंटा नैब सवालात के जवाबात। सदर मुस्लिम लीग नून के नैब ऑफिस पहुंचने पर लीगी कारकुनों का शानदार इस्तकबाल। इजहारी यकजहती के लिए नारे। इमरान नज़ीर, गजाली सलीम भट्ट, मिर्जा दाबे, तौसीफ शाह, राव शहाबुद्दीन समेत दीगर भी मौजूद। इस्तकबाली हजूम में शामिल नज़ीर सवा की तबीयत खराब होने पर गिर पड़े। सिक्योरिटी अहलकारों ने साबिक वजीर आला के गार्ड्स को नैब ऑफिस दाखिले से रोक दिया। मुल्क की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। शहबाज शरीफ की पेशी लौटकर बुद्धू घर को आय के मुतरादिफ है। वजीर इतलात पंजाब फैजुल हसन चौहान का ओपोजिशन लीडर के नैब में पेश होने पर अद्यमत। बोले कानूनी शिकंजे से बच जाने की करप्ट माफिया की तवक्को खाम ख्याली है।
निजी ऑयल कंपनीज की हठधर्मी, नवे रोज भी पेट्रोल की किल्लत, 40% पंप्स बंद, सिर्फ पीएसओ पंप्स पर पेट्रोल की फ्लोक जारी। शहरी ईंधन की तलाश में दर बदर, हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की बासानी दस्तियाबी के लिए सख्त इकदाम का मुतालबा। नए माली साल में पंजाब के बजट का तखमीना, 23 खरब 80 अरब, आमदनी सिर्फ 4 खरब 97 अरब, विफाक से मुहासिल की बदले 14 खरब 65 अरब मिलेंगे। करंट कैपिटल रिसेट्स का तखमीना 7 खरब 42 अरब रुपए लगाया गया है। नए माली साल का तरक्याती बजट, अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मंजूर। पीएनडी बोर्ड ने वजारत हाउसिंग की जानिब से भेजी गई तजवीज़ मंजूर की। रेवेन्यू वसूली में कमी और पंजाब हुकूमत की कटौतियां, बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे दूसरे साल तातुल का शिकार। पार्किंग मसाल के बावजूद 4 पार्किंग प्लानों की तामीर नए बजट में भी नामुमकिन। नए साल में 3 की जगह 2 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा। पंजाब असेंबली का रवा इजलास से 1 घंटा 35 मिनट की ताखीर का शिकार। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत वक्फा सवालात में जवाबात का सेशन। अरकान करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी प्राइवेट बिल की मंजूरी भी देंगे। और वज़ीर-ए-आला पंजाब दूसरे सूबों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बरहम। विफाक के बराबर टैक्स वसूली के बावजूद दूसरे सूबों में रजिस्ट्रेशन पर महकमा एक्साइज से जवाब तलब कर लिया। पंजाब में चलने वाली गाड़ियों के पंजाब में ही रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने की हिदायत। SOPs पर अमल दरामद न करने पर जिले इंतजामिया की कार्रवाई। मुख्तलिफ मार्केट्स में खिलाफ वर्जी पर 89 दुकानें सील, 24,000 जुर्माना, 5 को हिरासत में ले लिया गया। 4 रोज में मजमू तौर पर 1,156 दुकानें सील, 168 मुकदमा दर्ज। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4,000 के करीब दुकानों को वार्निंग, बगैर मास्क 6,500 गाड़ियों के चालान। कोरोना वबा की बे एहतियाती से फैला, लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों ने समझा वबा खत्म हो गई। वजीर सेहत पंजाब ब्यास में राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली एहतियात ही कोरोना से निजात का वाहि जरिया है। कोरोना का मुश्तबा मरीज फौरी तौर पर खुद को फौरी आइसोलेशन में ले जाए। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी, जायद साहब सजाद केस में करीबन 1.25 घंटा नैब सवालात के जवाबात। सदर मुस्लिम लीग नून के नैब ऑफिस पहुंचने पर लीगी कारकुनों का शानदार इस्तकबाल, इजहारी यकजहती के लिए नारे। इमरान नजीर, गजाली सलीम भट्ट, मिर्जा जावेद, तौसीफ शाह, राव शहाबुद्दीन समेत दीगर भी मौजूद। इस्तकबाली हजूम में शामिल नजीर सवाद की तबीयत खराब होने पर गिर पड़े। सिक्योरिटी एहलकारों ने साबिक वजीर आला के गार्ड्स को नैब ऑफिस दाखिले से रोक दिया। मुल्क की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया, शहबाज शरीफ की पेशी लौटकर बुद्धू घर को आय के मुतरादिफ है। वजीर इत्तला पंजाब फैजुल हसन चौहान का ओपोजिशन लीडर के नैब में पेश होने पर अद्यमत, बोले कानूनी शिकंजे से बच जाने की करप्ट माफिया की तवक्को खाम ख्याली है। निजी ऑयल कंपनीज की हठधर्मी, नवे रोज भी पेट्रोल की किल्लत, 40% पंप्स बंद, सिर्फ पीएसओ पंप्स पर पेट्रोल की फ्लोक जारी। शहरी ईंधन की तलाश में दर बदर, हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की बासानी दस्तियाबी के लिए सख्त इकदाम का मुतालबा। नए माली साल में पंजाब के बजट का तखमीना, 23 खरब 80 अरब, आमदनी सिर्फ 4 खरब 97 अरब, विफाक से मुहासिल की बदले 14 खरब 65 अरब मिलेंगे। करंट कैपिटल रिसेट्स का तखमीना 7 खरब 42 अरब रुपए लगाया गया है। नए माली साल का तरक्याती बजट, अपना पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ मंजूर। पीएनडी बोर्ड ने वजारत हाउसिंग की जानिब से भेजी गई तजवीज़ मंजूर की। रेवेन्यू वसूली में कमी और पंजाब हुकूमत की कटौतियां, बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे दूसरे साल तातुल का शिकार। पार्किंग मसाल के बावजूद 4 पार्किंग प्लानों की तामीर नए बजट में भी नामुमकिन। नए साल में 3 की जगह 2 अरब का तरक्याती बजट मिलेगा।
पंजाब असेंबली का रवा इजलास 1 घंटा 35 मिनट की ताखीर का शिकार। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत वक्फा सवालात में जवाबात का सेशन। अरकान करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी प्राइवेट बिल की मंजूरी भी देंगे। और वज़ीर-ए-आला पंजाब दूसरे सूबों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बरहम। विफाक के बराबर टैक्स वसूली के बावजूद दूसरे सूबों में रजिस्ट्रेशन पर महकमा एक्साइज से जवाब तलब कर लिया। पंजाब में चलने वाली गाड़ियों के पंजाब में ही रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने की हिदायत।